देश में हाउसिंग यूनिट्स की बिक्री में 2014 के बाद से भारी कमी दर्ज की गई है। साल 2014 के मुकाबले 2017 तक ये गिरावट करीब 41% तक पहुंच गई है। नोटबंदी, रेरा और जीएसटी ने रियल एस्टेट की कमर तोड़ कर रख दी है। बीते कुछ साल में देश के लोगों की घर खरीदने में दिलचस्पी कम होती जा रही है। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के चेयरमैन के आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ 2014 ही एक ऐसा साल था जिसमें 2013 के मुकाबले घरों की बिक्री बढ़ी थी, लेकिन साल 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इसमें लगातार कमी आ रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 के मुकाबले 2017 तक सिर्फ देश के टॉप 7 शहर जैसे NCR में सबसे ज्यादा -67%, MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में -32%, बेंगलुरु में -21%, पुणे में -37%, चेन्नई में -43% और कोलकाता में -23% की कमी दर्ज की गई। सिर्फ हैदराबाद ही एक ऐसा शहर है जहां इसमें बढ़त देखी गई। साल 2014 में करीब 3,42,000 हाउसिंग यूनिट्स बेची गईं, जो 2015 में कम होकर 3,07,000 पर रह गईं, यानी करीब 10% की कमी। 2016 में इनमें और गिरावट देखी गई और ये आंकड़े 2,39,000 पर आ गए, यानी 2015 के मुकाबले 2016 में करीब 22% की गिरावट। 2016 के आखिरी महीनों में पहले हुई नोटबंदी, फिर रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा का लगना और उसके बाद लगा GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन सब की वजह से रियल एस्टेट की हालत बद से बदतर हो गई और 2017 के अंत तक घरों की बिक्री 15% और गिरकर 2,02,000 पर रह गई। 2014 के मुकाबले 2017 तक घरों की बिक्री में करीब 41% की कमी देखी गई। इनसे एक बात साफ है कि रियल एस्टेट सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट पहले कभी किसी और सरकार के कार्यकाल में देखने को नहीं मिली। इसका असर कई रियल एस्टेट कंपनियों पर देखने को मिला, यहाँ तक कि कुछ कंपनियां बंद होने की कगार पर आ गईं। उज़ैर अली जाफरी, गो न्यूज़।